नमस्कार, HBNN में आपका स्वागत है। और सबसे पहले कोरोना अपडेट। कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 50% से ज़्यादा मरीज स्वस्थ होकर वापस लौटे हैं। अभी तक जिले में 287 मरीज डिटेक्ट हुए हैं, इसमें से 129 मरीज वर्तमान में एक्टिव हैं और 149 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट आए हैं। और अभी तक 9 मरीजों की मौत हो चुकी है। खास बात यह है कि पूरे ज़िले में, इटारसी शहर में लगभग 40% मरीज हैं। आज 4 मरीज कोरोना के डिटेक्ट इटारसी में हुए हैं। पथरोटा के पीपलढाना गांव में एक 15 वर्षीय नाबालिग के साथ 2 युवकों ने दुराचार किया है। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया जा चुका है। चॉकलेट देने का बहाना बनाकर युवकों ने नाबालिग को खेत में बुलाया था और फिर उसके साथ यहां दुराचार किया। आपको बता दें कि गाँव के कई लोग शोषित परिवार को दबाते हैं और शोषण करते हैं। सोना सावरी गांव और खेड़ा के बीच रेलवे गेट को 3 दिन के लिए बंद किया गया है। रेलवे द्वारा यहां मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसी के चलते गेट को बंद करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे ने आज 6 अगस्त से लेकर फाटक 9 अगस्त की शाम 6 बजे तक बंद करने का निर्णय लिया है। इस दौरान यहाँ से किसी तरह की आवाजाही नहीं होगी। बाजार बंद होने को लेकर बार बार लोगों में भ्रम फैल रहा है। SDM सतीश राय के अनुसार शुक्रवार को व्यापारियों के साथ बैठक होगी SDM कार्यालय में। इस बैठक में बाजार खुले रहने का समय तय किया जाएगा। हालांकि शनिवार को लॉकडाउन रहेगा या नहीं, इसका फैसला जिला कलेक्टर करेंगे। तो देखते रहिए खास खबरें HBNN पर और हम